आपको आप लोग बताइए आपको गाना कैसे लगा और ट्रेलर कैसा लगा? ट्रेलर बहुत ही अच्छे थे, डिफरेंट लोकेशन थे, काफ़ी कुछ नया कुछ थे। हम आपसे जानते तक आइडिया आया आपके पास करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए, डिफरेंट मैसेज आपको मूवी में आप देखने तक आइडिया आया। सो ये जो आइडिया आया 2019 में आया, जब मैं सैन फ्रांसिस्को से एले जा रहा था, तो वननेस का आइडिया तो बहुत सालों से है और बहुत पुराना है संसार के अंदर। विवेकानंद जी ने भी और वाहेगुरु ने भी, सभी स्पिरिचुअल्स लीडर्स ने ट्राई किया है। तो आई वाज ऑलवेज मिस फीलिंग कि कुछ मिसिंग है इस दुनिया में, क्या मिस है। तो मेरे को हमेशा थोड़ा बॉदर करता था, यू नो, फैमिली से लेके, फ्रेंड्स से लेके, कॉरपोरेट वर्ल्ड से लेके, कहीं से भी लेके, देयर इज सम डिस्कनेक्ट है। लोग अपने दिल से पूरा कनेक्ट नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते। तो मैंने इसको नाम दे दिया वननेस, देयर इज अ वननेस मिसिंग। तो वननेस जो है बेसिकली द कॉन्सेप्ट केम बी वन विद एवरीवन, देयर इज अ वन विद इन एवरीवन। हर इंसान के साथ आप एक हो सकते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने अपने अंदर का जो एक है उसके साथ एक हैं। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि सुपरफिशियल वर्ल्ड में जीते हैं, ऊपर ऊपर जीते हैं, वो अपने आप तो कनेक्ट हो नहीं पाते। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ है, पीस, लव एंड वननेस। पीस जो होती मन की शांति, कॉर्नर स्टोन ऑफ एनी कम्युनिटी, यू नो। अगर पीस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब घर में छोटा सा घर है, उसमें शांति नहीं है, तो आप प्यार कैसे पैदा कर सकते हो? जो पीस जो कनेक्ट है वो हमारे दिमाग से कनेक्ट है। अगर दिमाग शांति में है तो आगे तुम प्यार की बात में आते हो। तो प्यार तभी आता है जब हमारा दिमाग शांत है। तो द लव इज कनेक्टेड विद हार्ट, वो जो है दिल, प्यार दिल के साथ कनेक्ट है। और जो वननेस है जो बहुत ही डीप में है, दैट इज कनेक्टेड विद सोल। तो मेरा जो मैसेज है, सबकी आत्माओं से कनेक्ट करना है। क्योंकि हम लोग मोस्टली जो दिमाग से कनेक्ट करते हैं, अरे ये बंदा बाहर से आया, इससे बात करो, डिस्कस करो, बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है, बस हो गया। दिल से बहुत कम लोग कनेक्ट करते हैं। अगर हम दिल से भी कनेक्ट करते हैं तो भी हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है। तो मैंने देखा, दुनिया में खुद एक्सपीरियंस किया, वर्ल्ड पूरा घूमा मैंने, पूरा देखा है कि देर इज़ ए मिसिंग समथिंग, संसार के अंदर क्या मिस है। तो वो वननेस है, वननेस जो आत्मा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है। अगर मैं आपके साथ आत्मा से कनेक्ट नहीं हो पाता, पूरा डीपली नहीं जाता, तो क्या होता है कि वो 1+1=1 नहीं आता, वी आर नॉट ऑन सेम पेज। अगर दिमाग से कनेक्टेड हैं हम लोग तो सोचेंगे इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे क्या लेना है, क्या देना है, क्या करना है, बस हम लोग वहीं तक घूमते रहते हैं। और जब हम डीपर में जाते हैं, अब कॉन्शियसनेस के अंदर, द ट्रू कॉन्शियसनेस जो आत्मा है, द ट्रू कॉन्शियसनेस इज रियली ट्रूली मिसिंग इन दिस वर्ल्ड। मोस्ट लॉट्स ऑफ कॉन्शियसनेस ऑलरेडी इन द गटर, क्योंकि उतना ही सोच पाती हैं जिन गटर के हिसाब से। और कुछ कॉन्शियसनेस है वो नॉर्मल लेवल के ऊपर है, वो देखती हैं, फील करती हैं, अरे यार इसकी हेल्प करनी चाहिए, अरे ये गरीब आदमी है, यू नो। और सब्जी वाले के पास हम लोग जाते हैं, उसको वो कहता है 200 रुपये, तो उससे को बोलते नहीं नहीं 140 ले ले, 120 ले ले, 180 ले ले। तो ये एक बहुत ही चीप कॉन्शियसनेस है मेरे हिसाब से। अगर मेरे से सब्जी वाला 200 मांगता है तो मैं बोलता हूँ ये ले 200 रुपये, लग 10 रुपये एक्स्ट्रा लग। अगर ऑटो वाले के पास साथ मैं जाता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ ये कितने पैसे हैं, सर वो 160 रुपया, तो मैं बोलता हूँ 200 रुपये लग। तो उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, उसके जो आत्मा है उसकी आत्मा से थैंक यू आता है। तो अगर हम उसको बोलेंगे भैया 160 नहीं 140 ले ले, 120 ले ले, तो हम कहाँ पे इसकी हेल्प कर रहे हैं, वी आर नॉट हेल्पिंग एनी वन हियर। तो मेरा जो मैसेज है इस फिल्म का, लोगों की कॉन्शियसनेस को रेज करना, हायर लेवल, गटर से लेके नॉर्मल में लेके आना, नॉर्मल से लेके पूरे हाईएस्ट लेवल तक लेकर आना, वहाँ पर जो एक बैठा हुआ है अंदर उसके साथ उनको मिलाना, वो तभी पॉसिबल है। तो
कॉन्शियसनेस एंड ट्रू कॉन्शियसनेस, जब हम कॉन्शियसनेस को ट्रू कॉन्शियसनेस के साथ मिला देते हैं और हमारी कॉन्शियसनेस एक हो जाती है, इसका मतलब क्या है? यू नो वी रीच टू हायर स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। हम लोग बेसिकली जो हमारे अंदर एक है, जो ट्रू कॉन्शियसनेस है, ट्रू कॉन्शियसनेस कौन है? वो है महायोगी। देयर इज ओनली वन ट्रू कॉन्शियसनेस, वो हर एक में है, हिंदू में भी है, मुस्लिम में है, क्रिश्चियन में भी है, एवरीवेयर इज ए ट्रू कॉन्शियसनेस। तो इस फिल्म के अंदर हमने दिखाया है कि हाउ डू वी गो डीपली टू एवरी सोल एंड फर्स्ट कनेक्ट देम विद देयर सेल्फ। अगर मैं इन भाई साहब को, उनकी अंदर का जो बैठा हुआ है भगवान, अगर वो आत्मा से परमात्मा को मिला देता हूँ, तभी तो वो अपने आप को पहचानेंगे, तभी तो वो देख सकते हैं सही क्या है, गलत क्या है। अगर अपने माइंड लेवल तक रहेंगे तो देखिए नेट सीट, उनको तो माइंड में ये पता है शाम को 500 रुपये चाहिए, कैसे भी आना चाहिए यार, 300 बनाया अभी मैं, और वो 200 कैसे बनाओ। तो मोस्टली जो यहाँ की हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है, वो बेचारे सर्वाइवल मोड में है, उनको घर में घर चलाना है, रेंट पे करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। तो वट आई एम ट्राइंग टू डू इज देर इज़ ए गैप बिटवीन द पावर्टी एंड जो जिनके पास करोड़ों रुपया अरबों रुपया पड़ा है, उनको पता नहीं क्या करना है, इतने बड़े बंगले में अकेला रहता है, राइट, वो झोपड़ी में 20 लोग रहते हैं। तो इस जो इतना बड़ा गैप है, उसको हम कैसे ख़त्म कर सकें, ताकि वो बंगले वाला सोचे कि यार 20 लोग हैं झोपड़ी में, 10 लोग हैं, मेरे घर में आकर क्यों नहीं रहते। ये होमलेसनेस की प्रॉब्लम, ये पावर्टी की प्रॉब्लम हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में है। तो मैं सोचता हूँ कि वो तभी ख़त्म हो सकती है जब हम लोगों को उनकी कॉन्शियसनेस को रेज करें, उनको सीधा आत्मा तक जाएं। तो मैं एज ए अंतर्यामी रोल, जो महायोगी का रोल है, हर आत्मा के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ। बी वन विद एवरी वन, देर इज़ अ वन विद इन एवरी वन। आपके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है। जब मैं आपका भगवान पहचान पाऊंगा, तभी आप मेरा भगवान पहचान पाएंगे। तो मेरे को आप तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा, वो क्या है, मेरे को अपनी ईगो को सरेंडर करना पड़ेगा। मेरे को ये नहीं देखना कि यार ये रिक्शा वाला है या कैमरामैन है या मिलियनेयर है, आई डोंट केयर, बंदा है, भगवान इसके अंदर है, हाउ डू वी आई कनेक्ट। तो वो कहाँ से आएगा? वो आएगा प्योरिटी लेवल से, ऑनेस्टी से। जब हम लोग ऑनेस्ट हो जाएंगे, जब हम प्योर लेवल पे पहुंच जाएंगे, हायर कॉन्शियस पे पहुंच जाएंगे, जब हम समझेंगे यार इसकी प्रॉब्लम तो मेरी प्रॉब्लम है। वननेस का मतलब क्या है? अगर भाई के पास आज की डेट में अपनी गाड़ी का वो जो मॉर्गेज पे के जो इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए पैसे नहीं है, और मेरे पास 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं और मेरे पास पैसा है, तो मैं इसको बोलूँगा यार ये लो भैया, आप अपना जाके पे करो, या आप गाड़ी लो, मेरे को जितना देना दो। तो दैट मॉडल ऑफ वननेस इज हेल्पिंग ईच अदर, टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, यू नो, केयरिंग एंड शेयरिंग इज द मेन गोल ऑफ दिस मैसेज ऑफ वननेस, कि हम आपस में मिलाएं कैसे। और मैंने इस फिल्म के अंदर क्या दिखाया, बी वन विद एवरी वन, मतलब छोटा सा घर है, घर में 6 लोग हैं, बेचारे 6 ही नहीं है सेम पेज के, बीवी इधर जा रही है, आदमी इधर जा रहा है, बच्चे इधर जा रहे हैं, दे आर नॉट ऑन सेम पेज। तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब एक छोटी सी फैमिली को हम नहीं कर सकते टुगेदर, तो इतने बड़े संसार को कैसे करेंगे। तो तभी पॉसिबल है जब महायोगी कहता है मैं तो तेरे अंदर भी हूँ, मैं तो इसके अंदर भी हूँ, मैं उसके अंदर भी हूँ। सो ही कनेक्ट्स विद एवरी सोल, इट्स ए सोल जर्नी, यू नो। देन ही आई रियलाइज्ड, यू नो, इन रियलाइजेशन के बाद क्या होता है, अब मैंने बड़े बड़े नेताओं या कलाकार, जो बड़े बड़े बिलियनर्स, सबको मैंने मैसेज दे दिया। हाउ? क्योंकि उनके दिमाग तक जाऊँगा तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, मिलियंस लोग, हजारों लोग हैं वहाँ पे, मेरा नंबर तो आएगा नहीं, मैं कितना भी बोलूँगा नहीं समझ आएगा। उनके दिल तक जाऊँगा तो भी, दिल तो आगे भरा हुआ है 50 लोगों से, मिलियंस लोगों से, कहाँ से मेरी बात सुनते। देर इज़ ओनली वन वे टू चेंज दैट, वो है उसकी आत्मा। तो ये महायोगी क्या करता है कि उस लोगों की आत्माओं तक पहुंच जाता है। तो वो सोचता है कि जब आत्मा को कंट्रोल करूंगा तो आत्मा के
थ्रू आई विल गो इन हार्ट देन आई विल गो टू द माइंड। तो लोग इधर से जा रहे हैं, दिमाग से, दिल से, फिर आत्मा से। मैं कह रहा हूँ पहले आत्मा से जाओ, तो तुम्हारी आत्मा से जाओगे तो तुम परमात्मा को मिल लोगे जो तुम्हारे अंदर ही है। मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारों कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो आप, वो तो तुम्हारे अंदर है। तो आप उसको मिल लोगे तो उसको मिलने से क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। अगर आप वही नहीं सोच पाते कि रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, यू कैन नॉट रीच टू द अल्टीमेट गोल। सबसे पहले पता है कि इंसान सुबह घर से निकला उसको कहना क्या। तो मेरा जो मैसेज है इज वेरी कोर, यू नो, अपने अंदर का जो भगवान है उसको पहचानो। बी वन फर्स्ट ऑफ ऑल योर सेल्फ, उसके बाद अपने दोस्त के साथ एक बनो, अपने भाई के साथ बनो, अपनी बहन के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। फिर अपने पड़ोसी को पूछो, भैया तेरे को कुछ चाहिए, मेरे पास 20,000 रुपया पड़ा हुआ है, तू तेरे घर में खाना नहीं है, ले ले तेरी चीज़। फिर एरिया को पूछो, फिर देश को पूछो, फिर दुनिया को पूछो। हम बोलते हैं यू नो वासुदेव है कुटुंब को, बट हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, राइट। तो हमें उस चीज़ को फॉलो करने के लिए हमारे अंदर का वासुदेव को जागना है पहले। अगर वो ही नहीं जागेगा तो हम नहीं फॉलो कर पाएंगे। तो मैं ये फील करता हूँ जब भी आता हूँ इंडिया में, मतलब आप बिलीव करेंगे आई एम डूइंग इट, तो थोड़ा डिफिकल्ट है यू नो अभी फिर से, बट मैंने गिव अप नहीं किया, जितना मैं कर सकता हूँ करता हूँ। फाउंडेशन नाउ वी आर बिल्डिंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, वी वॉन्ट टू स्टिल हेल्प। आपके मिशन में कौन कौन जुड़े, कितने लोग आपके मिशन में पाएंगे? फिल्म जो है 90% खत्म हो चुकी है। हाँ जी, फिल्म जो है 90% ख़त्म हो चुकी है। 5-10% थोड़ा सा काम है, वो भी हो जाएगा। वी आर डूइंग फ्रॉम 2K to 4K। हम लोग US के अंदर रिलीज़ करेंगे पहले, क्योंकि इंग्लिश की मूवी है। मैं अमेरिका में रहता हूँ इतने सालों से, तो उसके बाद इस फिल्म को हम यहाँ पर रिलीज़ करेंगे। हम इंडिया में इंग्लिश में भी करेंगे और डब करके हिंदी में भी करेंगे। हाँ, ये जो फिल्म है इट विल वेरी मच गोइंग टू हेल्प टू एटलीस्ट मेक पीपल थिंक, लोगों को सोचने के में मजबूर कर देगी कि ये थोड़ा जो हम कर रहे हैं इज रॉन्ग। तो इस फिल्म को जो हम क्या कर रहे हैं, डब कर रहे हैं, अरेबिक में डब कर रहे हैं, क्योंकि इतनी लड़ाई हो रही है, देखो अभी इसराइल के अंदर, फिलिस्तीन, ऑल दीज कंट्रीज, फिर रशिया में डब कर रहा हूँ इसको मैं। सो आई वॉन्ट टू गिव स्प्रेड द मैसेज ऑफ द वननेस टू मैनी मैनी पीपल। और इस फिल्म में क्या है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों दिखाया है। देखो पास्ट में जो हुआ क्यों हुआ ये भी दिखाया। हम लोग लड़ते मरते रहते हैं, अरे वो मुसलमानों ने हमारे टेंपल तोड़ दिया, उसने ये कर दिया। हम रिलीजन के ऊपर कितनी फाइट्स होती रहती है, राइट। हिंदुस्तान में क्या होता है, धर्म का नाम लेके फाइट करो। तो इस फिल्म को देखने के बाद आप एक बार सोचोगे, यार व्हाट ए डिसीजन ऑफ महायोगी, महायोगी कहाँ से कहाँ तक हमें इन्लाइटन कर दिया। तो आप ऑटोमेटिकली पीस जोन में आ जाओगे। जब तक वो शांति वाला जोन नहीं आएगा तो आप आत्मा तक नहीं जाओगे, राइट। तो मैं आप लोगों को आत्मा तक लेके जाऊंगा, ये मैसेज जो है आत्मा से फिर मैं पीस तक लेकर आऊँगा। तो आप बोलोगे यार ये तो हमने आज तक देखा नहीं है, तो क्या है फिल्म समझ नहीं आ रही, बट एंड ऑफ द डे आपको समझ आएगी, अच्छी तरह समझ आएगी, क्योंकि हिंदी में भी बना रहे हैं, इंग्लिश में भी बना रहे हैं, और कोशिश करूँगा हर लैंग्वेज में इसको डब करूँ ताकि लोग इस मैसेज को समझें। इसी साल देख पाएंगे। आपने कोई और पूछना है, कोई और क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। बताइए, जय माता की। नवरात्रि का मैसेज यही है कि भाई पीस, लव, वननेस, यू नो, आपस में भाईचारा बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए, यू नो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है। तीन ही मैसेज हैं दुनिया में, पीस, लव, वननेस।
तो जो वननेस का मैसेज जो आप लोग लेकर जा रहे हैं उसको थोड़ा आप अपने मीडिया में जाने से पहले पहले सब लोग जो बैठे हैं यहाँ अपने दिल में उतारो कि ये बंदा जो हमारे सामने बैठा है समझा क्या रहा है। इफ़ ही इज़ वर्किंग सच ए करेक्टर सच ए बिग रोल ऑफ महायोगी तो ये मैसेज हमारे दिमाग में जा रहा है, ये जो बोल रहे हैं या हम भूल जाएंगे शाम तक कल तक, तो उसको आपके अंदर का जो भगवान है उससे पूछिए, उससे कनेक्ट करिए। पहले कुछ लिखने से पहले कुछ छापने से पहले आई वॉन्ट एवरीबडी कनेक्ट विद इन द वन सेल्फ, अपने अंदर जाके थोड़ा सा देखिए। बाकी ये कि देखो ये पहली फिल्म ऐसा है बट उसके बाद हम लोग ये नहीं कि एंटरटेन, आई विल एंटरटेन विद एक्सीलेंट, मेरा उन्होंने बताया था। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ अमित जी। उनका वो जो एक पोइम है मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जीवों में आशाएं, दिल में अरमाने हैं, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझमें दीपक सजलता देखोगे, अपने हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से क्या तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में इतने जुल्म नहीं जितने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ और फिर झुकने का शौक नहीं, अपने हाथों से रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम जब भी मुझको इन हालातों की भट्टी में झोंकोगे तब तब सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। So Amit ji is my favorite and I respect and regard from the all the time. Thank you so much.